यूक्रेन के निकोपोल में चर्च पर बम गिरा है। रूसी हवाई हमले में ऑर्थोडॉक्स चर्च तबाह हो गया। 1912 में इस चर्च का निर्माण हुआ था और इसे खत्म कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, रूसी हमले में अब तक सैकड़ों चर्च तबाह हो गए, लेकिन ये जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, ये निकोपोल का ये चर्च है जहाँ पर बम गिरा और पूरा का पूरा चर्च खत्म हो गया, तबाह हो गया। रूस का यूक्रेन पर विनाशक हमला, यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर अटैक, रूसी हमले में यूक्रेन पोस्ट तबाह। और एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। खार्किव इलाके में रूसी सेना ने MLRS से धावा बोला है। हमले में यूक्रेनी सेना की 2 पोस्ट ध्वस्त हो गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा अब तक का अटैक हुआ है। यूक्रेन के 5 प्रांतों पर बारूद बरसाया गया है। ये 5 प्रांत जिसमें कीव भी शामिल है, राजधानी कीव, खार्किव, सूमी में बारूदी वर्षा हुई है। ये देखिए डोनेस्क और खेरसोन में भी भीषण अटैक हुआ है। ये 5 प्रांत ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट के इलाके हैं। यूक्रेन के 5 प्रांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पर बारूदी बरसात हो रही है, जिस तरह से आसमान में देख रहे हैं धुएं का गुबार। और इस बारे में डिटेल में जानकारी देंगे कि किस तरह का जो बारूदी प्रहार हुआ है, आघात हुआ है, जो यूक्रेन के 5 प्रांत हैं वो कौन से 5 प्रांत हैं, कहां कहां अटैक हुआ है, ये बताने के लिए सीधे चलते हैं इंफॉर्मेशन के लिए रवि मिश्रा के पास। बिल्कुल, इन 5 प्रांतों पर जहां पर ये जबरदस्त हमले हुए हैं रूस की तरफ से, उस पर नजर डालते हैं। पहले तो कीव देखिए, राजधानी, पावर स्टेशन और गैस स्टेशन पर अटैक किया गया, उस पर हमला किया गया। और उसके अलावा खार्किव पर हमले किए गए, 17 इमारतें इस हमले में बर्बाद हुई हैं, 17 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। डोनेस की बात करें, वहां भी हमला हुआ और लिसिवका इलाके पर रूस ने कब्जा भी कर लिया। सूमी में रूस ने 54 ड्रोन से अटैक किए, यूक्रेन ने 40 ड्रोन मार गिराए, यह भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। और खेरसोन में हमला हुआ, कई जगह बारूदी धमाके किया गया और इमारतों को, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया है। इस हमले की खास बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है और Fab 3000 बम की बारूदी बरसात भी की गई है। यानी कि इन 5 प्रांतों में ये बहुत जबरदस्त हमला पूरी योजना के साथ। ब्रजेश सर, सवाल यहां पर यही आता है, अगर पूरी स्थिति को हम देखें, यूक्रेन पर हमले जो हो रहे हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुतिन ने कहा अभी कि हम मानेंगे कि यूरोप के दूसरे देश भी इसमें शामिल है, उन पर हमला करेंगे, एक साथ इतने फ्रंट के लिए रूस कैसे तैयार होगा, कितना तैयार होगा, आपका असेसमेंट क्या कहता है? रवि, हम देखें तो ये युद्ध जो है 932वें दिन पे पहुंच गया है और जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, एक बहुत ही शक्तिशाली देश एक छोटे से देश को पनिश करने के चक्कर में, तो 3 वर्ष के आसपास होने जा रहा है। जो लोग भी हैं वहां रहते हैं, मिलिट्री, सिविलियंस, वुमेन, वो सब भी बॉम्ब प्रूफ हो जाते हैं, उनको पता रहता है कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। और हम देखेंगे, एक तरह से स्टेलमेट जैसी सिचुएशन चल रही थी करीब 1 महीने पहले तक, उसमें जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न इलाका था वो रशिया ने कैप्चर कर लिया था, करीब करीब घमासान युद्ध चल रहा था। यूक्रेन ने इनकी ब्लैक सी फ्लीट को नष्ट कर दिया था और ड्रोन्स हवाई हमले से मामला चल रहा था। रशिया चूंकि बड़ा देश है, उसके पास क्षमता थी सिविलियन टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को थ्रेटन करने का, उसके अलावा कुछ नहीं था। सडनली 5 या 6 अगस्त को यूक्रेन ने एक मैसिव ऑफेंसिव, डायबॉलिक ऑफेंसिव लॉन्च किया और कुर्स में कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ा तमाचा रह गया रशिया के नाम पे और उसके लीडर के नाम पे। तो तब से वो बौखलाए हुए हैं और अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं। उसमें एक रियलिटी चेक डाले, क्या रशिया उतना शक्तिशाली है जितना पहले था? ठीक है सर, उसके पास सोल्जर्स नहीं हैं, चेचन दोबारा आए हैं, आर्टिलरी वेपन्स नहीं हैं, नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं, और अभी खबर मिली है ईरान ने उसको सुपरसोनिक मिसाइल्स दिए हैं। तो इस माहौल में उनका कहना
न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है, तो ये रेड हेरिंग तो है या रेड लाइंस है, ये देखना पड़ेगा। ये अलार्मिंग है जैसा कि आप संकेत दे रहे हैं, ये इसकी आशंका ज्यादा बढ़ गई है कि इस तरह से पुतिन की धमकी देना क्या ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में जिस वक्त ये वॉर चल रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है।